लाल किला हिंसा मामले का मुख मुलजम है दीप सिद्धू। दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी नू करनाल तो किया गिरफ्तार। गिदड़बाहा तो कांग्रेसी विधायक का कथित ऑडियो वायरल ऑडियो विच राजा वड़िंग टेलर मास्टर नू धमकी दे रहा है। टेलर मास्टर वालों पैसे मंगन ते राजा वड़िंग गालां कढ रहा है। टेलर वालों 27,000 रुपए मंगन का मामला पीटीसी न्यूज नहीं करता ऑडियो की तस्दीक। 80 दिनों तो पार होया किसानी अंदोलन। नवे खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली दियां सरहदां ते वख-वख किसान जथेबंदियों वालों अंदोलन किया जा रहा है। देश विच अंदोलन कर रहे किसानों वालों नवे खेती कानूनों रद्द करने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार वालों बनाए नवे खेती कानूनों किसानों वालों दसया जा रहा है किसान मारू कानून। नवे खेती कानूनों लेके केंद्र सरकार के मंत्रियों के वख-वख किसान जथेबंदियों के आगुओं विचाले मसले के हल कढ़ने को लेकर 11 मीटिंगा हो चुकी ने। हालांकि इन मीटिंगों में कोई सहमति नहीं बन सकी। केंद्र सरकार खिलाफ चल रहे किसानी अंदोलन में मरण वाले किसानों की मौत वाले किसानों वालों केंद्र सरकार को जिम्मेवार दसया जा रहा है। अंदोलन दौरान मरण वाले किसानों के परिवार वाले किसानों वालों केंद्र सरकार तो आर्थिक मदद की भी मांग की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से वड्डी गिनती विच किसानों का केंद्र सरकार खिलाफ अंदोलन जारी। नवे खेती कानूनों के विरोध विच किसानों वालों अंदोलन किया जा रहा है। नवदीप कौर नूं दूजे मामले विच भी जमानत मिली। तीजे मामले विच जमानत लैण लई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट विच अर्जी दाखल। जल्द आ सकती है जेल चो बाहर। पंजाब विच अज 3 बूथां दे मतदान जारी। पटियाला जिले दे नगर कौंसल पातड़ा ते समाणा दे 3 बूथां ते वोटां पै रहियां ने। शाम 4 बजे तक चलेगी वोटिंग प्रक्रिया। पातड़ा दे वार्ड नंबर 8 दे बूथ नंबर 11 ते वोटां पै रहियां ने। समाणा दे वार्ड नंबर 11 दे बूथ नंबर 22 ते 23 विच वोटिंग। तीनों थावां ते ईवीएम नूं नुकसान पहुंचिया सी। गुरदासपुर तो श्रोमणी अकाली दल दे जिला प्रधान गुरबचन सिंह बबेहाली ने कांग्रेस से इल्जाम लाए। कहा 14 फरवरी नूं नगर कौंसल चोणां दौरान कांग्रेस वालों गुरदासपुर विच अकाली दल नाल धक्केशाही की गई। बबेहाली ने कांग्रेस के धक्के जाली वोटां भुगतान के भी इल्जाम लाए। बबेहाली ने पुलिस से भी सियासी शह हेठ काम करने के दोष लाए। अकाली दल के सीनियर आगू विरसा सिंह वलटोहा ने भिखी विंड के वार्डों में धक्केशाइयों को लेकर प्रशासन को करड़े हत्थी लिया। आउंदियां विधानसभा चोणों में इन्हें धक्केशाइयों खिलाफ अकाली दल मूंह तोड़ जवाब देगा। पट्टी विच आप वालों जारी वीडियो ते पुलिस ने सफाई दी। कहा कुछ शरारती अंसरां नूं आपस विच लड़न तो पुलिस ने हटाया सी। ना कोई फायरिंग हुई अते ना ही कोई जख्मी होया। 19 फरवरी नूं होवेगी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग। पंजाब विधानसभा के बजट इजलास सदन बारे फैसला लिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मुख्यमंत्री कैप्टन करेंगे अगुवाई। समाणा की दुर्गा कलोनी में सीआईए स्टाफ ने छापेमारी दौरान 1800 नशीलिया गोलियां बरामद की। एक औरत समेत 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। श्री फतेहगढ़ साहब की पुलिस ने सरहंद शहर दियां वख-वख मार्केटां में छापेमारी दौरान वड्डी गिनती में चाइना डोर बरामद की। पुलिस ने चाइना डोर वेचन वाले दुकानदारों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया। पंजाब सरकार वालों सूबे में चाइना डोर की बिक्री से रोक लगाई गई है। पातड़ा रोड से पिंड प्रेम सिंह वाला के नेड़े सड़क से खड़े ट्रक में कार टकराई। हादसे में एक औरत की मौत होने कारण हादसा वापरिया। जानकारी मुताबिक कार सवार बसंत पंचमी मौके पचाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे नतमस्तक होने तो बाद पिंड परत रहे सन। बटाला विच 12वीं के विद्यार्थी का कतल। कस्बा घुमाण के स्कूल बाहर तेज तार हथियार नाल वार किया। हस्पताल विच इलाज दौरान सिमरनजीत सिंह ने दम तोड़िया। मृतक के भरा ने अपनी जान भज के बचाई। पुलिस मुताबक जमीनी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।
तरनतारन के भिखी विंड विच नाजायज माइनिंग से शिकंजा कसया गया। पुलिस ने तीन ट्रैक्टर ट्रालिया एक जेसीबी मशीन कब्जे में ली। पांच लोगों को काबू किया, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पिंड फरंदीपुर की पंचायत के छप्पड़ में नाजायज माइनिंग करवाने का इल्जाम। पूरी दुनिया में लगेगी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन, WHO ने एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ते कोरिया की कंपनी में वैक्सीन बनती है, दुनिया के गरीब देशों के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बसंत पंचमी दिया देशवासियों नूं वधाई दित्ती अते शुभकामनावां दे के उन्हां दी चंगी सेहत लई अरदास कीती। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बसंत पंचमी दिया देशवासियों नूं वधाई दित्ती, सरबत दे भले दी कीती अरदास। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बसंत पंचमी मौके देशवासियों को बधाई दी, समूह जगत की सेहत कामयाबी लिए अरदास की। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के विआह पुरब दी रौनक, बिलासपुर के गुरुद्वारा गुरु का लाहौर विखे वड्डी गिणती विच संगत नतमस्तक हो रही है। भारत में तेल दीआं कीमतां विच वाधा, बाद दस्तूर जारी, पेट्रोल 30 पैसे ते डीजल दीआं कीमतां विच 35 पैसे इजाफा होया। बॉलीवुड स्टार संदीप नाहर ने खुदकुशी की, जानकारी मुताबक अपने परिवार तो तंग होकर की खुदकुशी।